कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह पुलवामा जिले में अवंतीपुरा के चुरसू से शुरू हुई है। यात्रा में पीटीएफ चीफ महबूबा मुफ्ती हजारों महिलाओं के साथ शामिल हुई हैं और प्रियंका गांधी के भी पहुंचने की उम्मीद है। तो शुक्रवार को सुरक्षा में सेंध लगाने के बाद राहुल गांधी ने यात्रा रोक दी थी। कांग्रेस ने सुरक्षा में चूक के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया था। तो श्रीनगर के बाहरी इलाकों में स्थित पंठा चौक के ट्रक यार्ड में शनिवार रात विश्राम होगा। 29 जनवरी को पंठा चौक से यात्रा बोले वर्ल्ड रोड स्थित नेहरू पार्क तक जाएगी। बता दें कि शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के कांचीगुंड में एंट्री के सिर्फ 1 किलोमीटर बाद ही राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई थी। यहाँ राहुल के सुरक्षा घेरे में कई लोग घुस आए थे। इसके बाद पुलिस राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला को गाड़ी में बैठा कर अनंतनाग ले गई थी। अनंतनाग में राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यात्रा के दौरान पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। टनल से निकलने के बाद पुलिसकर्मी नहीं दिखे। मेरे सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि हम और नहीं चल सकते हैं, मुझे अपनी यात्रा रोकनी पड़ी। बाकी लोग यात्रा कर रहे थे।